पता नहीं, फिर कई लोग काफ़ी यहाँ जो जिस फंक्शन में आए हुए हैं सभी लोग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ी कर देना अगर मैं नहीं नाम बोल पाया। ये जो मुहिम जो चलाई है विक्रम जी ने, स्टॉप चिल्ड्रन सुसाइड, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और मैं फैमिली में बहुत कम रहता हूँ, क्योंकि बाहर रहते हैं या मुंबई आए रहता हूँ या कभी US गए रहते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं फैमिली को टाइम दे पाते। लेकिन जब इन्होंने ये वो पॉइंट्स बोले हैं तो वो मुझे बहुत लगा कि फैमिली को टाइम देना चाहिए, क्योंकि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बच्चों के ऊपर जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए ये बधाई के पात्र हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ इस बात पे जो इन्होंने ये कदम उठाया है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसके लिए हमारी तरफ से जो भी होगा हम इस इशू पे शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म जैसे भी होगा हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर काम करने की, जरूर काम करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ अभी जो नेक्स्ट बात इन्होंने बताई है कि हम अगर एक किसी इशू पे काम कर रहे हैं किसी फिल्म पे, तो प्रोड्यूसर हम लोगों पे और डायरेक्टर्स पे पैसा लगाएगा क्यों? आप उसको एक बता नहीं रहे हो कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। एक कमर्शियल फिल्म है तो एक डायरेक्टर बता सकता है कि यार ये डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, ये डिजिटल से आ गया, फला 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 उन लोग भी बता देता, बहुत सारा कुछ बता देता। लेकिन एक आर्ट सिनेमे को, एक जो सोशल इशू पे फिल्म बन रही है उसके लिए कोई भी ऐसी कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। सर आपको अवार्ड मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, कि प्रोड्यूसर को अवार्ड से क्या लेना है। ये हफ्ता पहले ही मुझे विक्रम जी मिले तो मेरे साथ बात करने लगे, कहते हैं यार ये इशू पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और उसके लिए फिर मैं एक बार विक्रम जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया और इस तरह इनका दिमाग चला। मैं कन्वेंशन मियामी फ्लोरिडा में अमेरिका गया था अभी, तो वहाँ पे ऐसे कई कन्वेंशंस होते हैं। वो कन्वेंशंस में क्या होता है कि हम फिल्म मेकर्स होते हैं, उनकी कुछ फिल्म चूज़ की जाती है, एक छोटा सा फेस्टिवल होता है जिसमें गिनी चुनी फिल्में आती हैं वो दिखाई जाती हैं। एंड आफ्टर दैट एक दिन ऐसा होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको ये नहीं पता कि हमें पैसा लगाना कहाँ है और उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, वो वहाँ बैठते हैं। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा एक ऐसा, मैं विक्रम जी से दरख्वास्त करूँगा कि जैसे ये टाइम हमने जो एक दो ढाई घंटे का टाइम आज लिया है वो नेक्स्ट टाइम बढ़ाएं और यहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल करें। वो फेस्टिवल के साथ साथ कुछ इन्वेस्टर्स जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बुलाया जाए, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, यूट्यूब, जो भी लोग हैं, कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो मेन लोग हैं, जो मेन मेन ऑफिसर्स हैं उनके जो हैंडल कर रहे हैं, उन लोगों को भी कॉन्टेक्ट करके साथ में लाया जाए कि ये हम सोशल इशू पे काम कर रहे हैं और इसको, ये हमारे पास इन्वेस्टर है, ये हमारा मेकर है, इसकी प्रोडक्शन है, ये फिल्म है उसकी की हुई और इसके ऊपर ये पैसा लगा रहा है और इसको प्लेटफॉर्म दीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है और मैं विक्रम जी के साथ। थैंक यू। पर जो बात की है ये बहुत ही अच्छा जो मुद्दा है वो उठाया है, ये चाइल्ड अब्यूजमेंट हो क्यों रही है। एक्चुअल में हमें बच्चों के साथ कोई बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है टीचर्स से, पेरेंट्स से, क्योंकि ये सब पेरेंट्स को और टीचर्स को एजुकेट करने का ये जो मसला है। तो मुझे लगता है कि ये टीचर्स को और इनके पेरेंट्स को, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए। और कोई सवाल हो तो बताइए। ओके, थैंक यू।